आज 26 नवंबर को हम एक इंतहाई स्याह दिन की याद ताज़ा कर रहे हैं। इस दिन को अब दुनिया में 26/11 के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह 9/11 दुनिया को नहीं भूलेगा, इसी तरह 26/11 भी दुनिया को नहीं भूलेगा। 26 नवंबर 2008 को बम्बई का टेरर अटैक हुआ। बम्बई या मुंबई, आप इस शहर को पुराने नाम से याद करें या नए नाम से याद करें, मगर इस शहर पर उस स्याह वारदात का धब्बा भी अब पूरी दुनिया याद करती है, और वो है 26/11 का टेरर अटैक। पाकिस्तान से करीब 10 दहशतगर्द गए। 3 रोज तक ये दहशतगर्दी की वारदात होती रही और इसमें 166 के करीब मासूम जाने ज़ाया हुईं, 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। तकरीबन 10 लोकेशंस पर ये हमला हुआ, जिसमें ताजमहल होटल, सिनागॉग, रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाके शामिल थे। और इस वाक़े ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो उसी सूरत गिरेगी जब इस वाक़े के ज़िम्मेदार लोग कैफरे किरदार तक पहुँचे, यानी या तो भारत के पास जाएं या इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट के पास जाएं। ये अफसोसनाक वाक़या जहाँ पर दोनों मुल्कों के बीच तल्लुकात की सरदमहरी लाया, वहाँ पर इस वाक़या ने दुनिया को क्लियर कट बता दिया कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के रोग एलिमेंट्स या एस्टेब्लिशमेंट इट्सेल्फ उस मकाम पर पहुंच चुकी थी तब कि उनको किसी किस्म का लिहाज, कोई आंख में शर्म नहीं थी, और दुनिया पर यह बात साबित हो गई कि टेररिज्म का एपिसेंटर कौन सी जगह थी। इस वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने डिनाई करने की कोशिश की, मगर इतने एक एविडेंसेस इकट्ठे हो गए कि उनके लिए डिनाई करना भी मुमकिन ना रहा और उनको कहना पड़ा कि ये लोग पाकिस्तान से गए थे। जब ये वारदात हो रही थी, उस वारदात के दौरान ना सिर्फ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बल्कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इंटरसेप्ट्स की कॉल उन दहशतगर्दों की, उनके साथ जो उनके हैंडलर थे, और वो हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हुए थे। इस वाक़े ने पूरी दुनिया पर साबित कर दिया कि दहशतगर्दी पर अमली तौर पर काबू पाना किस कदर ज़रूरी है, और दहशतगर्दी के पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी किसी फ़ायदे को नहीं हासिल कर सकेंगे, और जिनको इस दहशतगर्दी से नुकसान हुआ उनके ज़ख़म आज भी ज़िंदा हैं। आज 26/11 के 11 बरस गुज़र जाने के बाद उसी रोज़ की स्याह कारियों को याद करते हुए वो स्याह दिन आज भी मनाया जा रहा है और मनाया जाता रहेगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जिस तरह 9/11 तारीख़ इंसानियत में एक स्याह बाब के तौर पर रकम हो चुका है, इसी तरह 26/11 भी एक स्याह बाब के तौर पर रकम हो चुका है। देखने वाली बात यह है कि इस वाक़े से दुनिया ने क्या सीखा, देखने वाली बात यह है कि इस वाक़या से भारत ने क्या सीखा,
دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس واقعہ سے پاکستان نے کیا سیکھا. دنیا نے تو بلا شبہ یہ سیکھ بھی لیا اور جان بھی لیا کہ ٹیررزم جب سٹیٹ سپانسرڈ ہوتی ہے تو وہ کتنی انلیشڈ ہوتی ہے اور اس کو روکنا کس قدر ضروری ہوتا ہے. بھارت کی اس وقت کی کانگریس سرکار جو سیکیورٹی کے معاملے میں بہت ویک تھی, ریلیٹیولی بہت ویک تھی, وہ بھی ہل گئی اور بھارت اس واقعے کے آج 11 برس بعد سیکیورٹی کے معاملات پر اتنا چکنا ہو چکا ہے کہ اب شاید اس طرح کا واقعہ بھارت میں دہرانا کسی بھی ٹیررس آرگنائزیشن اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی کوئی بھی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کے لیے اب شاید ممکن نہیں رہا. یہ بھارت نے نہ صرف جانا بلکہ سیکھا اور اس پر بھارت پوری طرح کاربند ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. اور اس واقعے کے بعد بھارت نے یہ بھی سیکھا اور جانا کہ ٹیررزم کے بعد کوئی امن کی بات نہیں ہو سکتی جب تک اس ٹیررزم کے بیج کو ختم نہ کر دیا جائے. پاکستان نے کیا سیکھا یا کیا جانا؟ ڈینائل سٹیٹ میں رہنے والی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مسلسل انکار تو کیا مگر اتنے ایویڈنسز تھے, اتنے شواہد تھے کہ ان کے لیے اپنے جھوٹ پر قائم رہنا ممکن نہ ہو سکا. اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ روگ ایلیمنٹس ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ کشمیری ملیٹنٹس تھے, لیکن ان کے جھوٹ کے اپنے کوئی پاؤں نہ رہے. پاکستان کو اس کا بہت بڑا فائدہ جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو دور کی بات ہے, نقصان ہی نقصان ہوا. اس واقعے کے بعد پاکستان کا امیج دنیا بھر میں تباہ و برباد ہو گیا اور جو رہی سہی کسر تھی جس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پراکسی ٹیررزم تھی اس کی کنٹینیوشن میں جو یہ کبھی کہا جا سکتا تھا کہ شاید یہ بینیفٹ ڈاؤٹ دیا جا سکے, دنیا نے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دینا بند کر دیا. کیا اب پاکستان 11 برس بعد یہ طے کرے گا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے جو کردار زندہ ہیں, جو موجود ہیں پاکستان میں, ان کو بین الاقوامی انصاف کی عدالت کے حوالے کریں؟ کیا پاکستان اتنی بہادری سے کام لے گا یا کم از کم کھلے عام بین الاقوامی برادری سے معافی مانگ دے؟ ایسا ممکن نظر نہیں آتا, لیکن دنیا اس سیاہ دن کو ہمیشہ سے یاد کرتی رہے گی. بھارت کا فرض ہے کہ اپنی سیکیورٹی کو سخت سے سخت بنائے اور اس طرح کی کسی واردات کو اب ممکن نہ رہنے دیا جائے. اور بین الاقوامی برادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیررزم کے لیے کسی قسم کا ایفس اینڈ بٹس کی صورت نہ رہنے دے. اسی صورتحال کے پیش نظر پچھلے سال میں نے ٹیک ٹی وی کے مبصر محمد رضوان صاحب سے جب بات چیت کی تو انہوں نے خود وہ داستان سنائی جب وہ ایک برطانیہ کے میڈیا آؤٹ لیٹ کے لیے کام کیا کرتے تھے 2008 میں. تو وہ 28 نومبر 2008 کو فرید کوٹ, جہاں سے اجمل قصاب جو ایک ٹیررسٹ بچ گیا تھا بھارت میں, پکڑا گیا, زندہ بچ گیا اور اس کو بعد میں پھانسی کی سزا ملی, تو اجمل قصاب
کہ گاؤں محمد رضوان بھائی گئے تھے 2008 28 اکتوبر کو، تو انہوں نے وہ داستان میرے ساتھ ٹیک اسٹوڈیو میں پچھلے سال جب ہم نے 10ویں ریمبرنس ڈے 26/11 کی بات کی، تو اس موقع پر انہوں نے یہ داستان سنائی. یہ ان کا اپنا واقعہ تھا کہ کیسے وہ اس گاؤں میں گئے، کیسے اجمل قصاب کے گھر کو ڈھونڈا. آج ہم اس کلپ کو ایک بار پھر میری اس بات چیت کے بعد دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس سیاہ دن کو ایک بار پھر یاد کریں گے. اور پوری دنیا سے تقاضا ایک بار پھر کریں گے کہ اس واقعہ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس واقعہ کے جتنے وکٹمز ہیں اور اس واقعہ میں کام آنے والے جتنے ہیروز ہیں، چاہے وہ فائر فائٹرز ہوں چاہے وہ پولیس مین ہوں، ان کی بھی جانیں گئیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کریں، وکٹمز کو بھی یاد کریں. اور آج کے دن ایک بار پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطیوں کا احساس کرے، چونکہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، سراسر نقصان ہے. اور اس موقع پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ معافی مانگیں، نہ صرف بھارت سے بلکہ پوری دنیا سے، اس بات کا احساس کریں کہ دہشت گردی کوئی اچھا راستہ نہیں. تو پھر اب دیکھیے محمد رضوان بھائی کی میرے ساتھ وہ بات چیت جو ہم نے پچھلے برس کی تھی. وہ بات چیت ہم اس لیے دہرا رہے ہیں تاکہ اس سیاہ دن کی یاد تازہ رہے. آج کا بلا تکلف تجزیہ دیکھنے کا بہت شکریہ. اور چلتے چلتے پھر یاد دہانی کراتا ہوں کہ آج کا تجزیہ اختتام پذیر ہوگا محمد رضوان اور میری گفتگو کا وہ کلپ جو ہم نے پچھلے سال ریکارڈ کیا، جس میں محمد رضوان بھائی نے بتایا کہ وہ خود گئے تھے اجمل قصاب کے گھر کھرا ڈھونڈنے، جسے پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے، وہ دیکھنے کہ کیا یہ شخص اسی گاؤں سے گیا تھا. بہرحال اس سیاہ دن پر ہم جتنا بھی دکھ کا اظہار کریں اتنا ہی کم ہے. طاہر بھائی، میں obviously فیلنگ میں سب سے پہلے تو ایک سورو ہے، ایک افسوس ہے ان جانوں کے لیے جو چلی گئیں اس دن، اور اس کے علاوہ اس سارے سینیریو میں مجھے کچھ پرسنل میری یادیں بھی ہیں، میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ obviously یہ بھی ہے کہ اس واقعے نے پاکستان انڈیا کے ریلیشنز میں ایک اس دن فنڈامنٹل چینج لے آئی تھی. یہ چینج بہت ڈیپ روٹڈ تھی. جہاں تک بات اس دن کی ہے، میں اس وقت یو کے ایک لیڈنگ براڈ شیٹ کے لیے کام کرتا تھا، تو مجھے ایک دن ہو گیا تھا اس واقعے کو، پوری دنیا میں obviously ایک وہ تھا، تو یہ چیز آلموسٹ طے ہو گئی تھی. جو سروائیور تھا، جو پکڑا گیا تھا لڑکا اجمل، وہ پاکستان کے جو گاؤں ہے دیپال اکاڑا ہے ایک شہر پاکستان میں سینٹرل پنجاب میں، پھر اس کے آگے دیپال پور اس کی ایک تحصیل ہے، اور دیپال پور سے آگے پھر کوئی 16-18 کلومیٹر یہ فرید کوٹ کا علاقہ تھا. تو میں گیا تھا وہاں پہ پرسنلی. اچھا جی، میں اس دن اس سے یعنی کہ 26 نومبر نہیں تو شاید 28 نومبر ہوگا، وہ اس دن میں وہاں پر گیا تھا.
क्या आपने सुना उस गांव में, ये बड़ी इम्पोर्टेंट। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली जब हम जा रहे थे तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आगे क्या मिलेगा। मैं कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का उस वक्त नैरेटिव था कि ये सारी स्टोरी ही गलत है, कि कोई अजमल था और वो कोई इस गांव से रहता था और ये सारी जो है इंडिया की मेड अप स्टोरी। और ये मेरे जहन में था कि पाकिस्तान ने ये पोजीशन ले ली है और इंटरनेशनली ले ली है, तो अब पता नहीं क्या है वहाँ पर। लेकिन ये भी मुझे पता था कि अगर ये इंटरनेशनल मीडिया में ये एक सोर्स से नहीं, कम से कम 6 या 8 सोर्स से कन्फर्म हो रही है बात कि वो अजमल जो लड़का सर्वाइवर था वो वहीं से गांव का है, तो देर हैज़ टू बी ट्रूथ इन दैट। तो मैं यही फाइंड आउट करने वहाँ पे गया था। जब हम उस गांव में गए, उनका गांव की जो मेन गली में जो एंटर हुए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन के एड मुताबिक 5-6 बंदों ने हमें घेर लिया, जो कि गवर्नमेंट के ही किसी तरह से एहलकार लग रहे थे, लेकिन जाहिर है वो गांव वाले बने हुए थे वहाँ पे। तो उन लोगों ने कहा कि जी यहाँ तो कोई अजमल नहीं रहता, यहाँ तो कोई बंदा ऐसा है ही नहीं, या वो था ही नहीं। तो मैं थोड़ा जो है ना, मुझे ये सेंस हो गई कि ये रोकना चाह रहे हैं, लेकिन मैं डिटरमिंड था कि मुझे ये, वो जहाँ भी रहता है मुझे उसके गांव तक जाना, उसके घर तक जाना। ठीक। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा जी ठीक है, नहीं रहता तो मैं देख लेता हूँ कि क्या करना। तो वो मुझे कह रहे लगे, नहीं जी आप हमारे डेरे पे आए हैं, हमारे साथ चाय पिए। मैंने कहा मैं डेरे पे आऊँगा, चाय भी पीऊँगा, लस्सी भी पीऊँगा, सारा कुछ होगा, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा ना गांव में घूमना फिरना। कहते जी हम अपना बंदा साथ कर देते हैं आपके। मैं कहीं मुझे बंदा भी नहीं चाहिए। वो उस पर थोड़ा सा ना मैं वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा गुस्से में मैंने उनको कहा, जैसे कि परे करने के लिए। तो वो हो गए मेरे उसमें, और वो उन्होंने कहा जी जाएँ फिर आप। तो मैं लेके चला गया आगे जाके, मैंने हमने गाड़ी खड़ी की, ड्राइवर था मेरे साथ, एक और साहब थे, तो हमने गाड़ी खड़ी की और एक बच्चा जो खेल रहा था गली में, मैंने उससे पूछा था, मैं कह यार अजमल द घर कितने, पंजाबी में उससे बात की, मैं कह अजमल द घर कितने। कहने जी केड़ा अजमल। मैं कह यार वो मुंडा इतने होंगे कसाइयाँ का मुंडा इतने रहा, वो उसका घर कहाँ है। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा ए नहीं गली, तो मेरा ख्याल है वो अगली गली। अच्छा, छोटे बच्चे ने, छोटे बच्चा, वो मतलब जिस तरह के गांव में बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं, ज़्यादा तो 8-10 साल का होगा। अच्छा। 8 साल का होगा मैं भी। मैंने कहा अच्छा, मैं क्या मैं दसेंगा कितने। तो इतनी देर में उसकी माँ ने उसे दरवाज़ा खोल के फौरन बुला लिया, अंदर आ जा, तू कितना गला कह रहे हो। वो बच्चा जैसे गांव में कोई हरास, हाँ एक हरास की फजा, कोई बंदा नहीं था गलियों में। ठीक है। एक ना काइंड ऑफ बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी कि जैसे नॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी गांव में। मतलब जैसे गांव में होता है ना, लोग घूम रहे होते हैं, दुकानों पे बैठे होते हैं, सारा कुछ, वो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ उस दिन वहाँ पे। अच्छा, मैं आगे चल पड़ा तो सामने से ना एक खातून आ रही थी, चादर वादर नकाब उसने किया हुआ। अब मैं थोड़ा सा झिझका भी कि गांव में स्ट्रेंजर खातून से बात करना थोड़ा सा वो भी होता है, मसला भी है। लेकिन मैंने कहा मैं किससे पूछूं, इसी से पूछना। तो मैंने कहा कि मैं अजमल के बाप का नाम मुझे पता था, अब मुझे याद नहीं है। ठीक है। ये भी पता था वो कसाई है, उसको इंडिया कसाब उर्दू में बोल रहे हैं, वो कसाई कसाइयाँ का घर, बिल्कुल ठीक, वो इस तरह वहाँ पर मशहूर था कि कसाइयाँ का। तो मैंने उसके बाप का नाम लेके कहा, मैं वो कसाइयाँ का घर कितने है। तो उसने कहा तुसी कितों आए हो, आप कहाँ से आए। सही। तो मैंने कहा मैं उकाड़ा से आया हूँ और मुझे उससे मिलना बंदे से। वो कहती है वो तो वहाँ यहाँ से चले गए हैं। अच्छा। मैं कहा कब गए हैं। कहती है कल रात ही चले गए। ओके। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं कहा उनका घर कौन सा। तो उसने मुझे घर बता दिया कि ये सामने से लेफ्ट हो गए तो चौथा घर। अच्छा। तो मैं चला गया घर वहाँ पे। अब वो जो बंदे मुझे रोक रहे थे ना, वो मेरे पीछे पीछे हैं, वो मेरे करीब नहीं आ रहे। अच्छा। लेकिन वो पीछे आ गया, वो पीछे पीछे हैं। अच्छा। कुछ दो गली के पीछे हैं, कुछ दो सामने की गली में हैं। हाँ। तो वो मेरे साथ साथ ही हैं। तो
आप अकेले थे? मैं अकेला था, मेरे साथ मेरा ड्राइवर था। और आप अपनी न्यूज एजेंसी के लिए? मैं वो डेली टेलीग्राफ के लिए स्टोरी कर रहा था, और वो जो मेरा कंट्री चीफ भी साथ था। अच्छा। लेकिन वो उसको मैंने कहा कि तुम गाड़ी के अंदर रहो, तो जो जो गोरा होगा गोरा होगा। इसीलिए आपको जाने भी दिया होगा। हाँ, मुझे पता था उस सारी सूरत हाल का कि मैं ही जा सकता हूँ अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई तो। हाँ, और वो गोरा साथ है, ड्राइवर साथ है, तब भी आपके ऊपर दबाव कम होगा, वरना तो जी जी शायद आपको उसी भी उठा लेते। हाँ, वो ये सारी चीजें मेरे जहन में थी उस वक्त, तो मैंने उसको तो वहीं पर गाड़ी में रहने दिया और मैं खुद ही गया था। वाकई घर पे गया तो अजीब बात यह थी कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मींस के बंद था लेकिन कुंडी नहीं लगी हुई थी। और वो सामने जिस तरह गाँव में होता है कि एक वो टाट का पर्दा लगा हुआ, और मैंने टाट का पर्दा उठाया, दरवाजे को धक्का दिया, वो खुला हुआ, मैं अंदर चला गया। अच्छा। मैं अंदर गया तो देखा कि जाहिर है बहुत एक गांव के हिसाब से भी एक बहुत ही मतवस्त सादा, बहुत सादा था। ठीक। और सैन था, एक वॉशरूम था। हाँ, अलबत्ता दो कमरे सैन के साथ थे जिनके ऊपर ताला लगा हुआ था, जो गांव के ताले होते हैं। और बाकी इस तरह की सैन में चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे ही लोग रहते यही हैं लेकिन कहीं चले गए हैं। राइट। इस तरह का जैसे होता है ना कि बच्चे ने साइकिल वहीं पर छोड़ी हुई है, कुछ इस तरह की चीज़ें कि जैसे आप यही रहते हैं लेकिन आप नहीं भी हैं घर में, इस तरह का सूरत है। अच्छा। तो मैंने थोड़ा सा घर में देखा और कुछ नहीं था करने को, मैं बाहर निकल आया और फिर मैंने चलना शुरू कर दिया। मैं उसी बंदों ने जो मेरे पीछे पीछे थे, जो मुझे शेडो कर रहे थे, उनको ही मैंने पूछा। मैंने कहा यार, वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन फलां बंदा, मैं नाम पता करके गया था उससे। ठीक है। मैंने कहा उससे मुझे बुलवाओ। ठीक। उसने कहा जी वो तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। मैंने कहा यार उसका घर बताओ मुझे कहाँ है, मैं उसके डेरे पे चला गया। तो वो बंदा वहाँ पे था। अब उसने मुझे कहा कि आप अकेले आए हैं? तो मैंने कहा नहीं, मेरे साथ लोग हैं लेकिन वो गाड़ी में है, मैं आपके साथ अकेला ही। ठीक। फिर वो ज़रा मुझे साइड पे ले गया, वो कहते हैं जी घर यही है, लेकिन वो चले गए। ठीक। उस साइड पे आपको ले गया वो चेयरमैन। ठीक। हाँ, कहते जी घर यही है, क्योंकि मेरे साथ ड्राइवर था ना, तो ड्राइवर के सामने बात नहीं करना चाह रहा हूँ। साइड पे लेके कहता है कि घर तो यही है लेकिन वो लोग चले गए। मैं कहाँ चले गए ये कोई नहीं पता, कब गए हैं? कहता जी कल शाम को गए, बस ये उनसे पता चली बात। फिर मैंने उससे थोड़ी गपशप, कहता जी लस्सी वस्सी मैं आगे हाँ पीऊँगा, ताकि थोड़ी देर में ज़्यादा गुजारूँ इसके साथ। सही सही। तो फिर मैंने उससे कहा कि ये लड़का कौन था क्या? कहते ये छोटा सा लड़का था, ये चला गया था साईवाल के उकाड़ा मदरसे में छोटी उम्र में। इसने इस गांव में ज़्यादा टाइम बचपन में तो गुजारा, लेकिन उसके बाद जो है उसके दो चार साल से तो ये वैसे ही गांव से गायब है, तो उसकी टोटल उम्र ही 16-17 साल इस वक्त होगी। अच्छा। उस वक्त तो, हाँ, तो ये तो लड़का रहता यहीं था लेकिन ये जा चुका हुआ गांव से 4-5 साल पहले से। ओके। तो मैं कहा किधर गया था? कहता यहाँ से तो साईवाल या उकाड़ा के किसी मदरसे में पढ़ने गया था। अब उसके बाद फिर कहाँ वो हमें नहीं पता। ठीक। कि कहाँ ये गया था सारा। तो वो एक चीज़ जो मेरे जाने का मकसद ये था कि वो कंफर्म करना कि ये लड़का हुई है, और वो सारा वो स्टोरी जो इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्लियर हो गई थी कि बंदा वहीं का है और वहीं रहता था और वो उस वक्त वहाँ पे नहीं रहता। तो आपने जो पर्सनल अच्छा, अगर आप इसी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि आप इस तरह, आपका अपना एक्सपोजर रहा इस कहानी के साथ। जी जी। ठीक है ना। तो ये आगे फिर कहानी आपने बतौर जर्नलिस्ट कैसे इसको फॉलो किया, कैसे इसको रिपोर्ट किया? उस वक्त जो मेरी उस दिन की रिपोर्ट थी या उस जो रिपोर्ट मुझे करना था वो यही था कि ये एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है। भाई अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तान के वो दीपालपुर के फरीदकोट गांव का रेजिडेंट है कोई या नहीं, तो वो दैट आई वाज एबल टू फाइंड आउट कि हाँ वो है। और उसके बाद फिर वो जो
आप मेरी रिपोर्ट जो थी वो जाहिर है वो उसका एक पिक्चर डिपिक्शन थी उस गांव की, राइट राइट, कि वो है क्या, वो कहाँ से है, ठीक, बेसिकली वो कहाँ से निकला और कैसे वो जिहादी बना होगा और किस कैसे मदरसों में गया होगा और कैसे वो सारा, तो वही मेरी तो रिपोर्ट सही, सही। इतनी ही थी।